तो दोस्तों आज बनाते हैं मुंह में घुलने वाले लाजवाब से बेसन के पेड़े। ये टेस्ट में काफ़ी टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा लाजवाब होता है। सबसे बड़ी बात, इसे बनाना बहुत ही आसान है और मार्केट में मिलने वाले बेसन के पेड़े या लड्डू जो होते हैं ना, उससे भी ज़्यादा काफ़ी टेस्टी और मज़ेदार होते हैं। और ये घर में बने होने की वजह से ये काफ़ी शुद्ध भी होते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस बेहतरीन और लाजवाब सी मिठाई को बनाना शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ ले रही हूँ एक बोल बेसन, एक बोल मैदा, घी मैंने लिया है 3/4 बोल से, और यहाँ मैं शक्कर ले रही हूँ एक बोल। घी हमें थोड़ा सा कम लेना है। अगर हम एक बोल घी ले लेंगे ना, तो हम जो भी लड्डू या इससे पेड़े बनाएंगे तो उसका शेप थोड़ा गीला गीला सा बनेगा, तो घी थोड़ा सा कम लेना है। तो घी को मैंने कढ़ाई में डाल दिया, उसके साथ ही मैं बेसन को डाल दूँगी। तो दोनों को पहले बहुत अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। जब ये दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएगी ना, तो अब मैं इसमें मैदा मिक्स करूँगी। तो मैदा जो एक बोल था ना, मैं उसे इसमें मिक्स कर दे रही हूँ। पहले इसे अच्छे से मिला लेना है, तब जो बचे हुए घी थे ना, मैं इसमें डाल दूँगी। घी का मेज़रमेंट एक बोल से कम रखना है, नहीं तो आपके जो लड्डू या पेड़े जो भी आप इससे बनाएंगे ना, वो थोड़ा ढीला ढीला सा बनेगा, तो इसलिए घी थोड़ा सा कम ही डालना है इसमें। बेसन को भूनते समय गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखना है। अगर हाई पे रखेंगे ना, तो बेसन बहुत जल्दी जलने वाली चीज़ होती है, और बेसन थोड़ा सा भी जलेगा ना, तो मिठाई का स्वाद बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम टू लो रखना है और इसे लगातार चलाते रहना है। अगर आप मीडियम फ्लेम पे रख रहे हैं तो बिल्कुल हाथ को रोकना नहीं है, और जैसे जैसे आप भूनेंगे ना, तो ये बेसन थोड़ा सा ढीला होते चला जाएगा। मतलब बेसन बहुत अच्छे से भून रहा है और इसका टेक्स्चर जो है ना, बहुत ही अच्छा है। थोड़ी देर लगातार चलाने के बाद आप देखेंगे कि इसका कलर काफ़ी अच्छा गोल्डन सा आ चुका है, और इस बेसन को भूनते भूनते आपके घर में इसकी सोहनी सोहनी सी खुशबू बहुत अच्छे से फैल चुकी होगी। तो थोड़ी देर तक इसे लगातार चलाते रहने के बाद आप देखेंगे इसका कलर काफ़ी अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर का हो चुका है। तो ये लगभग भून चुकी है, अब इसे इस पॉइंट पे गैस को ऑफ कर देना है। गैस ऑफ करने के बाद भी इसे 2 से 3 मिनट तक लगातार चलाते रहना है, क्योंकि कढ़ाई है काफ़ी गर्म और बेसन बहुत जल्दी जल जाते हैं, तो इसलिए इसे लगातार 2 से 3 मिनट चलाकर थोड़ा ठंडा होने दें। इसे पूरी तरह से ठंडे होने के लिए मैं एक साइड में रख दूंगी, और जब तक ये ठंडी हो रही तो मैं चीनी को पीस लेती हूं। तो चीनी को मैंने बहुत ही महीन पीस लिया है। इस चीनी के पाउडर में दाने बिल्कुल भी ना हो चीनी के, तो उसे बहुत महीन पीस लेना है। और अब देखिए, ये मिक्सचर बिल्कुल ठंडा हो गया है। इसे पूरी तरह से ठंडा होने देना है, मतलब ज़रा सा भी गर्म ना हो। और अगर आपको जल्दी है इसे बनाने की, तो इसे पंखे के नीचे रख दें। चीनी बिल्कुल महीन पीसी होनी चाहिए, दानेदार बिल्कुल ना हो। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच इलायची पाउडर, 2 चम्मच मैं ड्राई नट्स के पाउडर डाल रही हूँ, जिसे मैंने दरदरा पीस लिया है, जिसमें काजू बादाम और पिस्ता है, थोड़ा सा दरदरा पीस लिया। और ये बिल्कुल ऑप्शनल, अगर आपको पसंद है तभी डालिए। अगर इलायची पाउडर नहीं है तो चीनी के साथ ही इलायची को डालें और उसे पीस लें, वो काफ़ी महीन पीस जाती है। तो इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है, इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। जैसे हम लोग मोयन लगाते हैं ना, काफ़ी देर इसे मसल कर मिक्स करना है। अब जैसे जैसे इसे मिक्स करेंगे, आप देखेंगे इसकी बाइंडिंग बहुत ही अच्छी हो रही है। और बाय चांस अगर इसकी बाइंडिंग अच्छी नहीं होती है, जैसे थोड़ा सा अगर ड्राई लग रहा है आपको, तो थोड़ा सा घी पिघलाकर इसमें मिक्स कर दे, बस 1 से 1.5 चम्मच, ज़्यादा नहीं तो इसका शेप नहीं बनेगा अच्छे से। कोई कोई बेसन होते हैं जो ज़्यादा घी एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए 1 से 1.5 चम्मच मिला लें। अगर आपका ज़्यादा ड्राई लग रहा है, तो बाइंडिंग अगर अच्छी नहीं आ रही है, तो 1 से 1.5 चम्मच ही घी काफ़ी है। उससे ज़्यादा अगर आप डाल देंगे ना, तो इसका शेप बाद में बिगड़ जाएगा। बस ऐसा बाइंडिंग होना चाहिए। आप देख रहे हैं, बहुत ही अच्छे से इसकी लड्डू और पेड़े में जो शेप देना चाहूँगी वो मैं दे सकती हूँ। इसके लड्डू भी आप बना सकते हैं, पर मैं यहाँ पेड़े बना रही हूँ, तो पेड़ों का शेप में इसे दे रही हूँ। बस मैंने जितना मेज़रमेंट पहले लिया है, बस उसी मेज़रमेंट में ये देखिए मेरे ये पेड़े काफ़ी अच्छे से बने हैं, और इसका शेप भी बहुत ही अच्छा बन रहा है। तो इस तरह से मैंने इसे पेड़ों का शेप दे दिया है। अगर आप चाहें तो इसे लड्डुओं के शेप में भी बना सकते हैं। तो सेम प्रोसेस में सारे पेड़ों को तैयार कर लेंगे। इसके ऊपर आप गार्निशिंग कर देंगे कटे हुए काजू और बादाम से। तो दोस्तों लीजिए, हमारा बेसन का पेड़ा बनकर तैयार है। इसका टेस्ट आपको बहुत पसंद आएगा। खाने में बहुत सॉफ्ट और टेस्ट में बिल्कुल मार्केट में मिलने वाले बेसन की बर्फी की तरह। तो दोस्तों, मुंह में घुलने वाले इस बेसन के पेड़े की रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो, तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दें।